हेलो एवरीबॉडी, ग्रीटिंग्स फ्रॉम हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया एंड मेड टॉक्स। मैं हूँ डॉक्टर के अग्रवाल। क्वाइट ऑफन एक क्वेश्चन कम्स टू अस, वेरी कॉमन दिस टाइम, क्या मेरा कोविड री इन्फेक्शन है कि नहीं है? हाउ विल आई कम टू नो कि मेरे को कोविड री इन्फेक्शन के साथ हुआ है? सबसे पहले 104 दिन के बाद में, पहले 90 दिन था, अब आईसीएमआर ने इसको 104 दिन बोल दिया है। 104 दिन के बाद में मेरे को दोबारा कोविड होता है, पहले मुझे कोविड हुआ, उसके बाद में मेरी कोविड की रिपोर्ट नेगेटिव आई और अब फिर मुझे कोविड हो गया, तो इसे क्लिनिकली हम री इन्फेक्शन बोलेंगे। होने को तो ये 104 दिन से पहले भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए फिर जीनोमिक स्टडी चाहिए। होने को तो 30 दिन में भी हो सकता है, लेकिन क्लिनिकली अगर आपको कोविड-19 हुआ, आपका आरटीपीसीआर या रैपिड टेस्ट पॉजिटिव था, बाद में नेगेटिव हुआ, अब फिर पॉजिटिव हो गया, तो हम इसे री इन्फेक्शन बोलेंगे। 4.5% लोगों को इंडिया में री इन्फेक्शन हो रहा है आईसीएमआर के हिसाब से। अब री इन्फेक्शन में क्या बिल्कुल सेम वायरस करेगा? अनलाइकली। बिल्कुल सेम वायरस विदाउट म्यूटेशन, अनलाइकली। तो री इन्फेक्शन यूजुअली इज विद ए म्यूटेंट वायरस। अभी आज की डेट में कौन कर सकता है? यूके वाला वायरस कर सकता है, साउथ अफ्रीका वाला वायरस कर सकता है, ब्राजील वाला कर सकता है, ई जीन टारगेट फेलियर वाला वायरस कर सकता है, इंडिया वाला जो म्यूटेशन वाला वायरस है विच इज 484452 डबल म्यूटेशन वाला वायरस आपको री इन्फेक्शन कर सकता है। क्या री इन्फेक्शन माइल्ड करेगा, मॉडरेट करेगा या सिवियर कोविड करेगा? ये डिपेंड करेगा कि म्यूटेंट वायरस कौन सा है। यूजुअली हम लोग कहते हैं कि एक बार आपको कोविड हो गया तो गामा इंटरफेरॉन हमारी बॉडी में किसी दूसरे वायरस को सिवियर को होने नहीं देते, लेकिन ये वायरस तो अनप्रिडिक्टेबल है। हमने री इन्फेक्शन सिवियर भी देखे हैं, बट चांसेस कम हैं। यू कैन हैव, देर आर ओनली 2 or 3 एग्जाम्पल्स इन द लिटरेचर जहां पे री इन्फेक्शन से किसी की डेथ हुई हो, लेकिन हाँ थियोरेटिकली माइल्ड भी हो सकता है, सिवियर भी हो सकता है। पल्मोनरी कोविड भी हो सकता है, जो क्लासिकल निमोनिया वाला कोविड है, या नॉन पल्मोनरी सिस्टमिक इंफ्लेमेटरी कोविड भी हो सकता है, जिसमें प्रेडोमिनेंटली जीआई ट्रैक्ट लूज मोशंस हो रहे हैं, आपको इंफ्लेमेटरी पूरी बॉडी में कहीं और इंफ्लेमेशन हो रहा है, स्किन में हो सकते हैं, आईज में हो सकते हैं, लिवर में हो सकते हैं, हार्ट में हो सकते हैं, सो दैट इज कॉल्ड एज ए नॉन पल्मोनरी सिस्टमिक मैनिफेस्टेशन। दोनों प्रकार के कोविड हो सकते हैं। कैसे? जैसे ही री इन्फेक्शन हो, अब देखिए दो वायरसेस मेरी बॉडी में हैं, एक पहले आया, अब दूसरी बार आया, मैं डी डाइमर भी कराऊंगा, ऐसा ना हो कि इस बार ही क्लॉट ज्यादा बने, मैं सीआरपी भी कराऊंगा, बिकॉज सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन में सीआरपी बहुत ज्यादा बढ़ेगा, पल्मोनरी कोविड में इतना ज्यादा नहीं बढ़ेगा, मैं सीबीसी भी कराऊंगा कि TH1 रिस्पॉन्स है कि TH17 रिस्पॉन्स है। TH1 मतलब है लिम्फोसाइट्स कम होंगे और TH17 में पॉलीमॉर्फ्स बढ़ेंगे, मैं उसको फॉलो करूंगा कब बढ़ रहे हैं या कब घट रहे हैं। TH17 रिस्पॉन्स 5वें दिन आएगी और TH1 रिस्पॉन्स 2रे दिन आएगी। मैं RT-PCR की CT वैल्यू भी कराऊंगा, अगर मेरा CT वैल्यू कम हो रहा है बहुत ज्यादा, देन आई नो चांसेस हैं कि ये री इन्फेक्शन है। उसके अलावा मैं RT-PCR में ये भी देखूंगा कि कहीं ई जीन टारगेट फेलियर तो नहीं है या एस जीन टारगेट फेलियर तो नहीं है, यानी कि मैं मल्टीपल जीन टेस्ट कराऊंगा और पूछूंगा लैब से कि तुमने ऐसा तो नहीं किया कि सिर्फ ई जीन टेस्ट करके और वो नेगेटिव करके नेगेटिव रिपोर्ट दे दी हो, पता लगा मेरा एन जीन पॉजिटिव है। एस जीन टारगेट फेलियर का मतलब है ई जीन पॉजिटिव, RDRP पॉजिटिव और एस नेगेटिव, ये यूके वाला वायरस है। ई जीन टारगेट फेलियर में ई जीन टारगेट फेलियर है और उसके अलावा और भी जीन टारगेट फेलियर आगे जाके आ सकते हैं। सो ये चीजें मैं री इन्फेक्शन में जानने की कोशिश करूंगा।
इलाज आज की डेट में री इन्फेक्शन हो कि प्राइमरी इन्फेक्शन हो वो सेम है। आज की डेट में हम ये नहीं कह सकते कि री इन्फेक्शन कंटेजियस नहीं होगा। हम यही सोच के चलेंगे री इन्फेक्शन हैज टू बी ट्रीटेड लाइक ए प्राइमरी इन्फेक्शन एंड ट्रीट देम कंटेजियस, पूरा लेके चलेंगे इसको हम। नमस्कार।